कैसा स्टेशन का सीन है ये देख सकते हो। यहाँ से पहले हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, कौन से स्टेशन में? अरे अरे तो भी हम लोग यहाँ से जाएंगे अरे मेट्रो स्टेशन पास। तो यहाँ देख सकते हैं एडिडास की शॉप है सामने, और वहाँ एलन सॉली, रेमंड, पुमा, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे शॉप्स। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग विद अनदर वीडियो। तो आज जा रहे हैं ओबेरॉय मॉल एक्सप्लोर करने। फिलहाल यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे हैं और यहाँ से बस निकलते हैं यहाँ से एरे स्टेशन, फिर वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पास है ओबेरॉय मॉल, तो वहाँ हम लोग चले जाएंगे। चलते हैं यहाँ से और देखते हैं। ये मेट्रो का कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे देख सकते हो। तो हम लोग एस्केलेटर से जाएंगे अभी, और यहाँ पे मेरे साथ में हैं विजय भैया। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम लोग मेट्रो स्टेशन पे हैं। कौन से मेट्रो स्टेशन पे पता है आपको? ओबेरॉय स्टेशन पे अभी हम लोग जा रहे हैं ओबेरॉय मॉल। मैं आपको पहले ही बता दिया था ओबेरॉय मॉल पहली बार जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा मॉल है। यहाँ से पहले हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, कौन से स्टेशन में? अरे अरे तो भी हम लोग यहाँ से जाएंगे अरे मेट्रो स्टेशन पास, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करीब है ओबेरॉय मॉल। चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं ओबेरॉय मॉल। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा तारीफ सुना हूँ मैं, बहुत अच्छा है। तो आज पता चली जाएगा तो मेरे साथ है विजय भैया। विजय भैया को मैं दिखाता हूँ, एक्चुअली उनका ही शॉपिंग कर रहे हैं। मैं भी देखूँगा कुछ पसंद आया तो ले लूँगा। चलते हैं और पता है जो हम लोग कितने बजे जा रहे हैं? 9:20 के करीब जा रहे हैं। अब आते आते तो मेरे ख्याल से 12 तो आराम से ही बच जाएगा, और आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मेट्रो भी बंद हो जाती है कभी कभी। कुछ ऐसा स्टेशन का सीन है ये देख सकते हो। टाइमिंग पता नहीं है मेरे को अप्रॉक्स कितने बजे क्लोज होता है मॉल, बट 11 बजे तक मेरे ख्याल से क्लोज हो ही जाता है। पर विजय भैया मेट्रो का टिकट लेके देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? घूम के ये बेसिकली शॉपिंग करने जा रहे हैं अपने घर के लिए। इनके घर में एक्चुअली फंक्शन है तो वो शॉपिंग करने जा रहे हैं कुछ लेने। देखते हैं, मैं भी देखूंगा अगर कुछ अच्छा लगा तो। यहाँ मेट्रो से भी उतर चुके हैं और यहाँ से चल रहे हैं कुछ ही डिस्टेंस पे, यहाँ पे 400 मीटर बता रहा है यहाँ से दूर है एरे मेट्रो स्टेशन से। तो अभी हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। और ये कुछ ऐसा सीन है मेरे सामने का, ये देख सकते हो। तो अभी हम लोग ओबेरॉय मॉल के पीछे से एंट्री कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ से बैक स्टेज से अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं ओबेरॉय मॉल में। आते हैं और दिखाते हैं, काफ़ी सुना हो इसके बारे में, काफ़ी अच्छा मॉल है। देख सकते हो वहाँ से हम लोग फूड कोर्ट से एंटर किए थे, और ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर है, पहला फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से स्टार्ट करता था, बट अब डायरेक्ट यहाँ से थर्ड फ्लोर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको पहले थर्ड फ्लोर ही एक्सप्लोर करके दिखा दे रहा हूँ कैसा है। वहाँ से स्टार्ट हुआ है थर्ड फ्लोर, और ऐसे घूमते घूमते वहाँ तक है थर्ड फ्लोर, और यहाँ देख सकते हो अभी हम लोग चलेंगे उधर भी घूमने। पहले मैं आप लोग को ये थर्ड फ्लोर अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ, और यहाँ बगल में गेमिंग हब है, तो अभी मैं आप लोग को गेमिंग हब भी दिखा देता हूँ कैसा है। तो गेम भी खेल लेते हैं अगर देखते हैं कुछ। अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं, और सेकंड फ्लोर पे क्लोथिंग का स्टोर है, तो क्लोथिंग के स्टोर में अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शर्ट या टी शर्ट देखते हैं। ये सेकंड फ्लोर का सीन देख सकते हो यहाँ से। यहाँ देख सकते हो कुछ कुछ शॉप्स बंद भी हो चुके हैं हम लोग के आते तक। एक्चुअली 2-3 शॉप ऐसे थे कि हम लोग के आते तक बंद हो चुके हैं। और ये पीछे देख सकते हो मेरे वाइन और बियर का शॉप है, तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो सामने वाइन एंड बियर का शॉप, अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे, एक्चुअली 3 फ्लोर है। ऐसा लग रहा है आपको देख के बता दीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन और सारे आरसीटी मॉल, सिटी मॉल से तो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा है, लेकिन सही है। तो यहाँ देख सकते हैं एडिडास की शॉप है सामने, और वहाँ एलन सॉली, रेमंड, पुमा, ये एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे ये सारे शॉप्स। एरो की शॉप तो बंद हो चुकी है देख सकते हो। एडिडास की भी शॉप क्लोज होने वाली है 10:30 के करीब, और ये लाइफ स्टाइल बस ओपन है। यूएस पोलो भी बंद ही हो चुकी है।
ग्राउंड फ्लोर में भी यहाँ पर शॉप्स क्लोज हो चुकी है। जैसे तो लीवाइस की शॉप भी क्लोज हो चुकी है, एक लाइफ स्टाइल भी खुली है बस, और इधर सारे क्लोज ही हो चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है ग्राउंड फ्लोर, यहाँ से देख सकते हो पास से। तो ये देख सकते हैं फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का ओबेरॉय मॉल। देख सकते हैं अभी ओबेरॉय मॉल से यहाँ पर बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे कुछ उतना था नहीं और लेट आ गए थोड़ा, तो शॉप भी एक्चुअली क्लोज हो चुके हैं यहाँ। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पर तो हर टाइम ट्रैफिक लगती ही रहती है, और जब निकलोगे तो यहाँ पर ऑटो आराम से आपको मिल जाएगा, जहाँ जाना होगा आप चले जाओगे, आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करने का रहेगा, आराम से आप ऑटो लो और मीटर पे आराम से चले जाओ। और यहाँ मीटर का सिस्टम जानते हो क्या है, यहाँ पर पहले 1 किलोमीटर का 23 रुपीज़ चार्ज होता है, फिर उसके बाद आप जितना चलते जाओगे उसके बाद आपका मीटर का बढ़ते रहेगा रेट, समझ रहे हो। और मेरे ख्याल से अप्रॉक्स 14 रुपया लगता है 1 किलोमीटर का। और ये देख सकते हो यहाँ रोड के बगल में यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए, यहाँ पे आराम से आप चल सकते हो। वापस से इस्माइल यूसुफ कॉलेज पास उतर गया हूँ और कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे गली का। ऐसा लगा आप लोगों को ओबेरॉय मॉल? काफी अच्छा लगा ना, लेकिन कंपैरेटिवली छोटा था फिनिक्स मार्केट सिटी और आर सिटी मॉल से, वो सब तो काफी अच्छा था। मैं सोच रहा था आप लोगों को इंडिया का जो फर्स्ट एप्पल स्टोर खुला है वो दिखाने का, तो उसका भी जल्दी नया व्लॉग आएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।